हेलो गाइज, आप देख रहे हैं एम्प्टी थॉट्स। मेरा नाम है रवि कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप थ्री ऐसी वेबसाइट्स जो आपको प्रोवाइड करती हैं हिंदी शायरीज और ऑल टाइप्स ऑफ शायरीज जो आपको इजीली प्रोवाइड करती हैं, वो भी विदाउट एड्स। मतलब कि बहुत कम एड्स आपको देखने को मिलेंगे इन वेबसाइट में और ये वेबसाइट्स स्पैम फ्री हैं, वायरस फ्री हैं, तो आप विदाउट एनी रिस्क आप इन वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपने हमारे वेबसाइट को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आप इस techum.com पे जाके हमारी वेबसाइट को पूरा देख सकते हैं। इसमें आपके लिए हम रोज़ नए आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं जिसमें आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब इन्फोस, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन जैसी बहुत सारे आर्टिकल्स मिलते हैं। चलिए गाइस, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी सबसे पहली वेबसाइट है इसका नाम है poetrytadka.com। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता कुछ पॉलिसीज़ की वजह से, तो आप इसका नाम याद रख सकते हैं जिसका नाम है poetrytadka.com। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हर तरह की शायरी मिल जाएगी जैसी आपको चाहिए। लव शायरी, फ्रेंडशिप शायरी, गुड मॉर्निंग शायरी, रोमांटिक शायरी, सैड शायरी और बहुत ही तरह की शायरीज़ मिल जाएंगी। और इस वेबसाइट की जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसका UI जो है, यूज़र इंटरफेस, वो काफ़ी अच्छा है। आप इजीली इस वेबसाइट में नेविगेट करके अपने मनपसंद शायरीज़ को देख सकते हैं। और इस वेबसाइट की एक और ख़ास बात है कि इसमें आपको शायरीज़ के साथ इमेजेस भी मिलती हैं जो कि एक्सपीरियंस को और अच्छा कर देंगी। तो गाइज, आप इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कितनी ज़्यादा शायरीज़ हैं और सारी जो शायरीज़ हैं वो अच्छी शायरीज़ हैं। आप आराम से इनका मज़ा उठा सकते हैं इस वेबसाइट में आके जिसका नाम है poetrytadka.com। दोस्तों, दूसरी जो हमारी वेबसाइट है इसका नाम है hindishayari.in। इस वेबसाइट पर भी आपको हर तरह की शायरी मिल जाएगी जो आप पसंद करते हैं। इसमें भी आपको शायरीज़ जो है वो इमेजेस के साथ मिलेंगी और इसमें एड्स भी बहुत कम है जिससे आप अपनी शायरीज़ का अच्छा एक्सपीरियंस उठा सकते हैं। इस वेबसाइट का UI है वो भी काफ़ी अच्छा है और इसके जो फॉन्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। इस वेबसाइट से आप अपनी हर फेवरेट शायरीज़ को पढ़ सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच। और यहाँ पर अगर आप कैटेगरी को देखें तो आपको यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ कैटेगरीज मिल जाएंगी जिसमें आपको शायरीज़ के ऑप्शन मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने कैटेगरीज़ में शायरीज़ को बांटा गया है। तो ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और इसका एलेक्सा रैंक भी काफ़ी अच्छा है और ये वेबसाइट 100% और वायरस फ्री है जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, जो हमारी तीसरी और आखिरी वेबसाइट है इसका नाम है Shayari.fm। नाम से ही आप इस वेबसाइट को जान सकते हैं कि कैसी वेबसाइट है। वेबसाइट में एड्स जो है वो थोड़े बहुत को देखने के लिए मिलेंगे बट इतना चलेगा। बट इसके साथ इसकी जो बेस्ट खूबी है वो ये है कि आपको इसमें जिसके साथ शायरीज़ मिलेंगी जो आपके एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा कर देंगे। फॉन्ट्स इस वेबसाइट के काफ़ी अच्छे हैं, वहीं साथ साथ यूज़र इंटरफेस इस वेबसाइट का काफ़ी अच्छा है जो आपको शायरीज़ पढ़ने में, उनका एक्सपीरियंस करने में काफ़ी मदद करते हैं। वहीं साथ साथ अगर इसमें कैटेगरीज़ को देखें तो इसमें आपको देख सकते हैं कितनी कैटेगरीज़ में आपको शायरी मिल जाएंगी जो कि आपके एक्सपीरियंस को और बढ़ा देंगे। आप इन्हें शेयर करना चाहें तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप इन शायरीज़ को शेयर कर सकते हैं, लाइक व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इस वेबसाइट में और अगर आप चाहें तो अपनी मनपसंद शायरी को यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं जिससे आपको शायरी ढूंढने में आसानी होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी ये तीन वेबसाइट पसंद आई होंगी जिसमें मैंने आपको टॉप थ्री वेबसाइट्स के बारे में बताया जहाँ से आपको हिंदी शायरीज़ के साथ साथ इसके साथ इमेजेस भी मिल जाती हैं जो कि आपकी शायरी एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा कर देते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन वेबसाइट्स के बारे में पता चल पाए। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो गाइस, थैंक यू।